इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोड कन्वर्टर है ना, यूजिंग डिकोडर एंड इनकोडर। अभी इनकोडर मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ ही थोड़ा सा उसको स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे बाइनरी लाइन हो सकती हैं हमारी, कितनी, 4 लाइन, सही है। ऑक्टेल 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन या 3 लाइन, 3 लाइन की ज़रूरत है। तो 3 to 8 डिकोडर से काम चल जाएगा, तो इसके लिए 3 to 8 डिकोडर, इधर वाला ही डिकोडर वाला पार्ट है, डिकोडर से बनानी है ये सब, सही है। और बीसीडी में 4 लाइन हो गई, या बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। तो आउटपुट को जरूरी नहीं है कि 2n ही निकालने हैं, ठीक है। 0 से 9 तक भी आउटपुट निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बनाकर देख लेंगे। इसके बाद इसका जस्ट रिवर्स है ऑक्टेल टू बाइनरी, तो जो डिकोडर आपने बनाया उसका जस्ट उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो आउटपुट को इनपुट बना दो, और जो मतलब जो बॉक्स है उसका तो ऐसे ही बन जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टेल। तो सीधा सीधा ये है आपका 3 to 8 डिकोडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ABC बाइनरी लाइन है, और यहाँ पर Y0 से लेके और Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 ये आउटपुट हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो इन पे LED कनेक्ट की हुई है आपने, ठीक है, इधर। तो ABC 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे ही चलते चलते 1 1 1 तक। तो ये Y0 है, सही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल नंबर 0 को, सही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। ये 1, ये 2, ये 3, और ऐसे ही करते 7 तक। तो 0 से 7 तक रिप्रेजेंट करने के लिए 3 इनपुट चाहिए, तो 3 है ये बाइनरी के लाइन, सही है। इन कॉम्बिनेशन पे वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग, जो सपोज करो 011 दिया, 011, तो 011 दिया तो 3, यानी Y3 पे ये इसको 1 कर देगा, सही है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टेल। तो ये 3 वाली जो है इधर, सही है, कोई इधर LED लगाई हुई है, ये कुछ भी है, तो इधर से LED कनेक्ट कर दी। तो एक रेसिस्टर लगाएंगे, एक LED लगा देंगे, ठीक है। तो LED को डायोड से और इस तरह दिखा देते हैं, ये LED हो गई, ठीक है जी, इसको ग्राउंड करते हैं, ठीक। तो जब इसको दोगे तो 3 वाली LED, यानी ये इंडिकेट कर रही है 3 है इधर, ठीक है, ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बाइनरी टू ऑक्टेल डिकोडर में बाकी के जो और हैं 0 से 7 तक, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई करोगे और वो आउटपुट पे उस पार्टिकुलर ऑक्टेल नंबर को उसको वो हाई कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टेल। अब आते हैं इसका जस्ट रिवर्स। तो अब इनपुट लाइन हो गई इधर से, ठीक है, और आउटपुट निकलेगा इधर से, और सर्किट चेंज हो जाएगा, सही है। ब्लैक बॉक्स तो जो ये बॉक्स है ये तो एज इट इज ही रहना है, ठीक है। तो अब मैं इसकी हेल्प से एक आपको, अब इनकोडर का ये 3 to 8 डिकोडर है, अब जो इनकोडर है वो है 8 to 3, सही है। तो 2n नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट बनेंगे n नंबर, सही है। तो आउटपुट जो हैं यहाँ पर, जैसे कंडीशन थी कि 2n इनपुट और 2n आउटपुट, तो जरूरी नहीं कि 2n आउटपुट हो, उससे कम भी हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कंडीशन है इनकोडर के केस में, ठीक है, कि जरूरी नहीं कि 2n ही इनपुट हो, उससे लेस भी हो सकते हैं, पर जो आउटपुट हैं वो n नंबर के ही निकलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर 2n-1 हो जाता है तो इधर n-1 हो जाएंगे, सही है। तो 2n और 2n-1 तक बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, तो वो सब n में ही आएंगे जो आउटपुट में। तो यहाँ पर हम अब बना रहे हैं ऑक्टेल टू बाइनरी। तो इस पे दिया हमने Y0, सही है, या अब इनपुट दे रहे हो तो इसको D0 से कर लेते हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ठीक है, और D7, ठीक है जी। तो ये है इनकोडर। तो इनकोडर आपका सभी जगह है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, ठीक है, जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के लिए, चाहे आपका लैपटॉप है ना, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे आपका मोबाइल है, सब में इनकोडर है,
ठीक है। तो इनकोडर क्या करता है, उस पार्टिकुलर जो भी कोई नंबर है इन पे हाई आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो जनरेट करता है कि वो बेसिकली नंबर है क्या। तो इसका स्विचिंग अरेंजमेंट मैं इस वाले को बताऊंगा, डेसिमल टू बाइनरी वाले में, ठीक है। तो 0 से 9 तक हम स्विच लगाएंगे, ठीक, इनपुट पे, और उस पार्टिकुलर स्विच को प्रेस करने से और वहाँ पर कोड जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हैं, सपोज करो यहाँ पर सब पे स्विच लगे हुए हैं, और जब हम प्रेस करते हैं तो पार्टिकुलर जो बिट है वो हमारी हाई हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पर 3 निकलेंगे, ठीक। तो इसका आउटपुट यहाँ पर ABC, इसको बाइनरी में सही है, ये बाइनरी में आउटपुट है, ठीक है। तो अब इसको इसका जो सर्किट बनाएंगे, देखो इसका सर्किट तो आपको जानते ही है कैसे आपने बनाया है। अब इसका जो सर्किट बनाएंगे इसके लिए हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ट्रुथ टेबल में डायरेक्टली बन जाएगा, तो पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास है D0, D1, T2, D3, D4, D5, D6, D7, ठीक है। तो 1000000, यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमारे हैं ABC, तो ये आएगा हमारा 000, ठीक है। 01000000 पे ये आएगा 001, इसका आउटपुट आना चाहिए, सही है। आएगा क्या, क्योंकि सर्किट तो हम ही बना रहे हैं। तो जो ट्रुथ टेबल है कि जब हम इसको D0 वाले को प्रेस करेंगे इसकी को, तो इस पे 1 आएगा, तो इसका मतलब है हमने 0 को प्रेस किया है, तो आउटपुट पे भी जो वो आना चाहिए, जो इसका आउटपुट आएगा वो 0 ही आना चाहिए, बाइनरी इक्विवेलेंट, तो 0 ही आएगा, है ना। फिर जब 1 वाली प्रेस की तो हमें आउटपुट पाया 001, ऐसे ही फिर 001000000 ये आया 010000100, इस पर आया 011, फिर 000001000, इस पर आया हमारा 100, फिर ऐसे 000000100, इस पर आया 101, फिर 000000010, इस पर आया 110, और फिर एक और बचा हमारा, उसमें हमारा यहाँ पर 1 आ गया, बाकी सब 00 और इधर 111, ठीक है। अब इसको इसका सर्किट कैसे बनाएं, सही है। तो अब ट्रुथ टेबल इसका कुछ के मैप से बनाओगे, हैं, तो के मैप कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ इस तरह का नहीं करना है, इसमें सिंपल सा जैसे ए इक्वल्स टू बनेगा हमारा, इसको देखो यहाँ पर है D4, सही है, तो बस इसको सम कर देना है, तो D4, सही है। चलो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, D4 प्लस D5 और प्लस D6 प्लस D7, ठीक है। ये तो आ गया ए के लिए। अब बी के लिए देख लेते हैं, बी के लिए हमारा है D2 प्लस D3 प्लस D2 D3 और फिर 2 जाएंगे, फिर ये आपका D6 और D7, D6 प्लस D7। सी के लिए देख लेते हैं, सी के लिए अल्टरनेट है ना, 0 1 2 3, तो जितने भी ओड नंबर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो D1 प्लस D2 सॉरी D3 प्लस D5 प्लस D7, ठीक है जी। ये हो गया, अब इसका सर्किट बनाना आसान है ना, इजी से बना दोगे। तो यहाँ पर ये आपने बस क्या करना है, बस यहाँ पर एक और 3 और गेट बनाने हैं, और यहाँ पर इनको कनेक्ट कर देना है, इस पे D4 D5 ये D6 इधर D7, ठीक है, इधर D2 इधर D3, ये D6 D7 दोबारा आ गया, D6 D7, और यहाँ पर है D1 D3 D5 एंड D7, इनको इससे कनेक्ट कर दो, इससे निकलेगा हमारा ए, इससे निकलेगा हमारा बी, इससे निकलेगा हमारा सी। तो ये जो है सर्किट है, सही है, ये इसको बोल सकते हो क्या नाम था इसका, ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल टू बाइनरी इनकोडर, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो
ओक्टेल टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, सेम सर्किट। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इसके अंदर ये जो है तीनों, ये इस बॉक्स में है। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर ये सर्किट है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम है और ये सर्किट डायग्राम है। ठीक, अब चलते हैं इस वाले पे, आते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो इसमें D7 और D8 और जुड़ जाए, D8 और D9 तीन और जुड़ेंगे। सही है, और यहाँ पर 4 बिट हो जाएंगी। ठीक है, तो रिवर्स तो ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल नंबर है 0 से 9 तक, हमारे डेसिमल नंबर है, और उससे एक CD एक और आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको बना लोगे और फिर ऐसे ही उसका सर्किट बना देना है। ठीक है, ठीक है, तो D9 तक इसमें रखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा, कितने इनपुट हो गए, 10/4। सही है, जो डेसिमल टू बाइनरी का बनेगा वो 10/4 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये 10/4 इनकोडर, तो यहाँ पर ये आपका D9 तक आएगा। ठीक है, और एक और इसमें आ गया D। अब इसका सर्किट इसी टेबल बनाओगे ऐसे ही। ठीक है, और इसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जैसे इसमें मैंने बनाया है ऐसे ही बना लोगे, और फिर ऐसे ही सर्किट बना लोगे, बन जाएगा, है ना। अब आते हैं डिकोडर की हेल्प से उसको बनाना। डिकोडर की हेल्प से बनाना है हमको BCD टू डेसिमल। तो BCD में हमारे 4 हैं इनपुट। ठीक है, तो A B C D, सही। और आउटपुट जो आएंगे, क्योंकि डेसिमल तक रखना है, तो Y0 से लेके Y9 तक। ठीक है जी, यही आएंगे। अब यहाँ पर इसको Y9 तक रखना है। देखो वैसे डिकोडर 4 to 16 होता है ना, तो हमें 16 आगे का मतलब ही नहीं है, हमें Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 का कोई हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो 4x10 डिकोडर। ठीक है, इसका सर्किट बनाना है, तो जो 10 मतलब 0 से 9 तक के जो हैं वहाँ तक तो आपको सेम एंड गेट लगाने हैं, पर जो Y10 से लेके और Y15 तक है वहाँ पर कोई गेट नहीं लगाना, तो ये 4x10 का बन जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जाएगा ABCD का, ये 0000 से लेके और ये जाएगा आपका 9 का, क्या होगा 1001, यहाँ तक जाएगा। सही है, तो ये Y0 और ये Y9। ठीक है, तो बाकी का हमें कोई लेना नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये बना, ये बनेगा A bar B bar C bar D bar, और फिर ऐसे ही बनते हुए Y9 पे जो हमारा लास्ट का जो एंड गेट बनेगा वो बनेगा हमारा A B bar C bar D। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कितने गेट हो गए, 10 एंड गेट लगेंगे, और फिर नेक्स्ट वाला जो Y1 वाला है वो है हमारा A bar B bar C bar D, और ऐसे ही आगे इसको चलाते चले जाओगे यहाँ तक, और ऐसे ही वो सारे एंड गेट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा BCD/BD2। तो डेसिमल लेना है तो BCD2 भी लिख सकते हैं, BD2 भी लिख सकते हैं, नंबर बाइनरी तक ही है। ठीक है, पर BCD लिखते हैं BCD/, क्योंकि डेसिमल का लेना देना BCD नंबर से ही है। ठीक है, चले अब इसमें एक थोड़ा सा इनकोडर पे, 14 मिनट का हो गया, चलो इसको मैं यहीं रोकता हूँ, उसको अलग से ले लेंगे। ठीक है, एक स्विच वाला जो अरेंजमेंट है मुझे वो शो करना था। देखो इनकोडर है कोई यहाँ पर, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा, मैं एक अब इसको अब इनकोडर मैंने छोटा कर दिया इसको, है तो मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ 0 to 3 नंबर तक के लिए, तो इसको टर्नरी बोल सकते हैं। तो इसको लिखते हैं हम टर्नरी टू बाइनरी। ठीक है, टर्नरी टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है, आगे आप कुछ भी कर लेंगे, तो टर्नरी में इसमें हमारे 4 इनपुट जाने हैं। सही है, तो 4 हो गए, और जो आउटपुट पर निकलेगा यानी D0 से लेके D1 D2 और D3, और आउटपुट पर जो निकलेगा हमारी 2 लाइन में काम हो जाएगा। सही है, X और Y,
ठीक। अब यहाँ पर इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ स्विचेस से। तो यहाँ पर मैंने रेसिस्टर लगाया, एक रेसिस्टर यहाँ लगाया, एक रेसिस्टर यहाँ लगाया, एक रेसिस्टर यहाँ लगाया, और यहाँ पर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया VCC से। हाई है, हाई आना है जब भी स्विच इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच लगाए हुए हैं, तो एक स्विच है ये, अगर मैं स्विच प्रेस करूँगा तो ये वन कनेक्ट होगा इससे साथ, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। पर फिर जीरो कैसे देंगे? चलो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा D0, सही है। जब भी इसको स्विच प्रेस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें ये VCC यानी वन जाएगा। यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है इसके लिए, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। एक स्विच ये है हमारा D1, ठीक है। ये सिंबॉलिकली है, करेक्ट नहीं है, इसको बस थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट। यहाँ पर D2, और यहाँ पर है हमारा, इससे कनेक्ट है इस स्विच से D3, ठीक है। तो जब भी स्विच को प्रेस करोगे वो पार्टिकुलर आपका वो जो D0 से लेके D3 तक है ना, आप सब आप ये कोशिश कर रहे हो कि एक तो उसके ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पहले, D0, D1, D2 और D3, सही है। तो ऐसे ही आप जो बाइनरी वाला है इसको भी बना सकते हो, ये BCD वाला, सही है। यहाँ से डेसिमल टू बाइनरी, तो D0 से लेके D9 तक बनाना है, फिर सारे ऐसे स्विच बनाने हैं जैसे कि होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको दिया 0000, सही है। तो 00 पे XY की वैल्यू क्या आएगी? 00 आएगी, फिर 01 10 11। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है, इसको 00 दिया जाए, इसको क्या दिया जाए? 00 पे कुछ नहीं, आउटपुट नहीं, वैलिड आउटपुट नहीं है, ठीक है। इसको प्रेस किया तब आया हमारा 1000, तो यहाँ पर आउटपुट जो आएगा हमारा, सही है। तो ये क्या है, इसको बोल दिया नॉट वैलिड, सही है। तो ये डोंट केयर सा भी लगता है पर ये नॉट वैलिड है बेसिकली, है ना, नॉट वैलिड। 1000 दिया तो इस पे आना चाहिए 00 आउटपुट पे। जब 01 00 देंगे तो इस पे आना चाहिए 01, जब 00 10 देंगे तो इस पे आना चाहिए 10, जब 00 01 देंगे तो इस पे आना चाहिए 11 XY की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट है, तो जैसे कि इनकोडर हमारा काम करता है, तो ये हमारा हो गया 4-2-2 इनकोडर, ठीक है। ऐसे ही आप बना लेंगे डेसिमल टू यानी 10-4 इनकोडर, ठीक है जी, बना लेंगे 10-4 इनकोडर, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो 4 लाइन निकलेंगे बाहर, ऐसे ये स्विच का अरेंजमेंट है। तो हमें 0 प्रेस करना है, तो ये D0 वाला, तो इसको मैं यहाँ पर D0 की जगह इसको इसका सीधा नंबरेल्स में लिख देता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, आपको 3 कीबोर्ड से 3 प्रेस करना है। और यहाँ पर एक कंप्यूटर इधर कुछ डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस सर्किट है, प्रोसेसर हो सकता है, कंट्रोलर हो सकता है, कुछ भी, आपको 3 उसके अंदर पहुँचाना है। तो 3 इस पर प्रेस करोगे, यहाँ से इसका कोड जनरेट होगा 11, और वो सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 प्रेस करना है तो 2 चला जाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक। तो ये है हमारा इनकोडर, 4-2-2 इनकोडर, ठीक है जी। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं।